आशा के हिसाब से नहीं चलेगी। चाहे वो कुछ भी कहे, मानव जी ने मुझ पर इतनी मेहनत की, मैं वापस चली ऐसा नहीं होने दूंगी। आरती दी, क्यों? लेकिन आरती दी, मैं क्यों? क्या हुआ? क्यों करण? क्या? नहीं, मैं क्यों वापस कमरे में बंद रहूं? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाने वाली। मैं अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊंगी, बस। हाँ दी, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जिएंगी, कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकता है। लेकिन दी, आप ऐसे क्यों बातें करें, मुझे प्लीज बताइए ना। कुछ नहीं वो, कुछ कोई बात नहीं है। लीजिए पानी पीजिए। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दी प्लीज बताइए ना मुझे। दी आप ही बताइए, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या आप मुझसे नहीं पूछती? क्या आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम है ना, हम मिलकर सॉर्ट कर देंगे। बात यह है कि वो ये हार आपके लिए नहीं लिया, आयशा सरीन के लिए लिया। कमरे में बंद रहेंगी तब तक जब तक मैं आपको बाहर आने को नहीं कहती हूं। अब तुम ही बताओ कर, अब मैं क्या करूं? सीरियसली थी, कोई इतना कैसे गिर सकता है? मैंने जिंदगी में आयशा दी जैसी सेल्फिश औरत नहीं देखी। हद होती है, हद होती है। ठीक है दी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो दी। आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है दी। जिस वक्त आपको मेरी जरूरत थी तब ना जाने मैं कहां चला गया था। मेरी दी के साथ इतना गलत हुआ और मुझे इस बात की खबर तक नहीं है। करत, तुम क्यों माफी मांग रहे? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। नहीं दी, इसमें मेरी ही गलती है। ये मेरी गलती है कि मैं आपके साथ नहीं था। लेकिन दी, अब कुछ गलत नहीं होगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आयशा दी को उनकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। आयशा क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस अंधेर में वापस नहीं खींच सकती है, उस बंद कमरे में नहीं ले जा सकती है। नहीं गले, रुको। तुम आयशा को कुछ नहीं कहोगे? ये क्या कह रही है आप दी? ये जानते हुए भी कि वो आपके साथ गलत कर रही है और आप मुझसे कह रही है कि मैं उनसे कुछ ना कहूं। मेरा और आपका तो ठीक था, लेकिन आप ही बताइए, जो रघु के साथ कर रही है क्या वो सही कर रही है? वो भी किस लिए? पैसों के लिए? नहीं, सही नहीं कर रही है, लेकिन तुम भी सही नहीं समझ रहे हो। देखो, आयशा ने जो कुछ भी किया, वो जो कुछ भी कर रही है और मुझसे भी जो कुछ भी करवाया है, अमरंग की भलाई के लिए। इस वक्त मेरी क्या हालत है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस नवरंग को नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो मानव जी का सपना है। अभी जैसे भी सब कुछ चल रहा है,
उसे चलने दो, तुम कुछ मत करो। दी, मैं जानता हूँ कि आपने और आयशा दी ने जो कुछ भी किया नवरंग के लिए किया है, नवरंग की भलाई के लिए किया है। लेकिन दी, क्या ये सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा था? नहीं ना, रघु को बदलना, उसको उसके अतीत से बाहर निकलाना, क्या ये सब आपके प्लान में शामिल था? नहीं ना, आपका जिंदगी से निकल कर वापस उस अंधेरे में जाना, क्या ये आप लोग के प्लान में था? नहीं ना, तो फिर देखो जी, मेरी बात ध्यान से सुनो, रघु अगर बदला है ना, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना उसमें, ये सब आपकी वजह से हुआ है। पिछले 7 दिनों से आप उसके साथ थी हर वक्त, आयशा सरी नहीं थी। जो कुछ भी किया आपने किया है, और आपको क्या लगता है ये बात किसी को पता नहीं चलेगी? अगर ये बात रघु को पता चल गई तो उस पर क्या बीतेगी? या फिर उसे जरा सी भनक हो गई कि जिसे आज तक वो आयशा समझ रहा था वो आयशा नहीं बल्कि कोई और थी, तब उन पे क्या बीतेगी? कभी ये सोचा है आपने? दी, मैं आयशा दी को बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे पता है कि वो क्या करने वाली है। वो यही कोशिश करेगी कि रघु को इस राज के बारे में कुछ ना पता चले, और चुपचाप से आपके इस भोलेपन का इस्तेमाल करेगी वो, और फिर आप देख लेना वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, और फिर वही उनकी ड्रामेबाजी, और कुछ नहीं होगा, ताकि जिंदगी भर आपको रघु से दूर कैद करके रख सके। जो भी सच है ना, रघु को बता दीजिए दी, और कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा ना। और क्या पता अगर रघु को ये सारी बातें कहीं और से पता चल गई तो? जो उसका विश्वास है वो एक बार फिर से टूट जाएगा दी, प्लीज उसे सब कुछ सच बता दीजिए। नहीं करण, मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपने लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया, मैंने तो नवरंग के लिए किया है, मानव जी के लिए किया है। और अब अगर मेरे किसी कदम से नवरंग को नुकसान हो गया तो रघु जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो, और देखा जाए तो पूरी तरह से आयशा गलत नहीं है। वाकई मैं आयशा बनकर ही रघु जी के पास गई थी, तो इन सब में हक तो पूरा आयशा का ही बनता है ना। और देखा जाए तो रघु जी का भी तो फायदा हुआ, उनमें कितना कितना अच्छा बदलाव आया है कि उसे देखकर ही मुझे तसल्ली हो जाती। मुझे अभी के लिए ये राज रघु जी से छुपाना होगा। दी, मैं जानता हूं आपने जो कुछ भी सहा है नवरंग के लिए सहा है, लेकिन दी मानव जीजू भी यही कहते थे, भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में कोई खोट नहीं होती।